क्या कर, रुक जा, से निकलना होगा। अरे उल्लू के पट्टे हैं, रुक जा। आप सोच रहे होंगे हमारी ये हालत कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू हुई थी 2 दिन पहले। सब इस लाल टी शर्ट वाले गधे की वजह से हुआ था। उसने बीजिंग में कोई कॉन्टेस्ट जीता था और इनाम में मिला 1 हफ्ते की ताइवान टूर। जब से मैं इस गधे से टकराया हूँ तब से मेरी जिंदगी झंड हो गई है। पेंटिंग चोरों के हाथ लग चुकी है, जल्दी बैकअप चाहिए। ठीक है, तुम अगले ऑर्डर का इंतजार करो। दोबारा कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। जय, तुम्हें ऑर्डर्स का मतलब भी पता है? पर मैंने तो मिस्टर जय, तुमने मेरे ऑर्डर्स क्यों ठुकराई? मैं इन्हें अकेले ही रोक सकता था। सिक्योरिटी का मतलब होता है टीम वर्क। अगर ये टीम काबिल नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? जरूरी क्या है, टीम वर्क या पेंटिंग बचाना? जरा उस पेंटिंग को देखो, उसकी हालत देखो। 3 दिन बाद इस पेश कीमती पेंटिंग को नेशनल पैलेस म्यूजियम में रखने वाले हैं। तुम पेंटिंग की हिफाजत इस तरह करोगे? आज की ट्रेनिंग का रिजल्ट है फेल। 3 घंटे बाद मिलो, हम ये ट्रेनिंग दोबारा करेंगे। डिसमिस। अरे यार, इसके चक्कर में काम नहीं लगेगा। नेशनल पैलेस म्यूजियम में 15वीं सदी की एक मशहूर चाइनीज पेंटिंग पहली बार रखी जाएगी। इसे देखने के लिए कई सैलानियों की भीड़ अपेक्षित है। माफ कीजिए सर, ये लीजिए, आपके काम आएगी। शुक्रिया। क्या सारे हवाई सफर इतने खराब होते हैं? हमेशा तो नहीं, कभी कभी हो जाते हैं। क्या कर रहे हो? सॉरी बहन जी। घबराने की कोई भी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। स्वागत है ताइवान में, स्वागत है। मैं हूँ आपका टूर गाइड आइडल। आइडल लगा चेहरे पर हंसी, नहीं रहेगा तो खोर बच्चे की खुशी। कहिए मेरी कविता आपको कैसी लगी? अगर पसंद ना आए तो भी तालियां बजा देना। चाइना के मेहमानों,
आइडल है आपके साथ, डरने की क्या बात, कभी भी कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए, आइडल सारे काम कर देगा। आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं आपका गाइड बनाऊं, क्योंकि मैं ही हूँ इकलौता सर्टिफाइड 5-स्टार गाइड। मेरी रेटिंग इतनी ज्यादा है कि मैं खुद ही बता नहीं सकता कितनी ज्यादा है। पर एक बात सुनिए, मेरा एक रूल है, कोई भी ग्रुप छोड़कर नहीं जा सकता। अगर ग्रुप छोड़कर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बेशक हमारी टूर तो है ही मजेदार, आप इस टूर को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो एक बात याद रखना, ग्रुप के साथ रहना है। हे हे, तो चलो सब तैयार है, रेडी। हे, बोला था ग्रुप नहीं छोड़ना है, कहाँ भाग रहे हो, उल्टी भी ग्रुप में करो। क्या बात है, हम पहुंच गए नेशनल पैलेस म्यूजियम। मेरे पीछे आना है, लेकिन तेज भी चलना है। चला चलो चला, मेरे पीछे आना है, खो मत जाना। अब म्यूजियम की टूर करेंगे। आई डल जाएगा चेहरे पर, हंसी नहीं रहेगा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप ठीक है, लाइए मैं साफ कर देता हूँ। अरे अरे, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था भाई। तैयार, ये कितना असली लग रहा है, मुझे तो इसे देख के भूख लगने लगी है। तो ठीक है, समय समाप्त। मेरे प्यारे चाइनीज मेहमान हो, मजा आ रहा हो तो वक्त कब निकलता है पता ही नहीं चलता। हमारे पास और कई दिलचस्प लोकेशन है जहां मैं आपको ले जाऊंगा। मैंने अभी ठीक से देखा भी नहीं। हाँ सही कहा, यहाँ आए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं। मैंने अब तक सिर्फ एक आलू की पेंटिंग देखी है और एक गमला। इतनी जल्दी थोड़ी जा सकते। अरे कुछ देर और रुक जाते हैं ना। ध्यान दीजिए प्लीज, हमारा सबसे अहम रूल मत भूलिए, ग्रुप छोड़कर कहीं मत जाइए, अकेले कहीं मत जाइए। और यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको मेरी सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। सफर करते वक्त हमेशा खुश रहिए, दिलदार रहिए, समझे। जितने भी पैसे हैं उन्हें बेझिझक खर्च कर दीजिए, ताइवान की मदद कीजिए। तो आइए। हाँ ठीक है आ जाएंगे। अरे सुनो सुनो, मेरी जल्दी से एक फोटो खींचो ना। यहाँ फोटो खींचना मना है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, देर हो रही है। अरे यार, पहली बार ताइवान आया हूँ और ये गधा ठीक से कुछ देखने भी नहीं दे रहा, क्या मुसीबत है। हाँ सही कह रहे हो, लगता है यहाँ आकर गलती कर दी। सर ये ताइवान की खास ओरिजिनल मोती है, आप लेंगे नहीं तो जरूर पछताएंगे। आप कहाँ से हैं? बीजिंग से है ना? बीजिंग का माल का शहर है। मैडम आप पर ये नेकलेस बहुत अच्छा दिखेगा, 20 मोतियों का हार लेंगी तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अच्छा दोस्त, यहाँ मोतियों का हार कहाँ मिलेगा? वहाँ मिलेगा, जाओ जाओ जल्दी करो, ले लो जाओ। हाँ ये 30 मोती वाला है, आपको जो पसंद हो बताइए। क्या मैं ये वाला देख सकता हूँ प्लीज? हाँ अभी बताती हूँ, एक मिनट। मैंने खरीद लिया, मुझे जरा बाथरूम जाना है। तो जाना, इधर करोगे क्या? ये मोती असली भी है कि नकली है? अरे इससे बड़े दिखाओ ना।
ओए ठिकाने लगा दो। ये कह रहा है हमें नहीं पता। कैप्टन जॉन बोल रहा हूं। जे तुम तुरंत रिपोर्ट करो। कैप्टन जॉन पेंटिंग खतरे में है। पेंटिंग खतरे में है। सब सावधान हो जाओ। तुम इसी वक्त ट्रेनिंग रूम पहुंचो। जे पेंटिंग चोरी होने वाली है सर। तुम अकेले कुछ मत करना। जे निकलो वहां से अभी। अगले स्टॉप पर जाने वाले हैं। अगले स्टॉप पर भी ऐसे ही शॉपिंग करना, ताइवान की मदद करना। चला चला वहां से भाग के यहाँ आकर बैठा है। छोड़ मुझे सिक्योरिटी। तू जानता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ फिर भी भाग रहा था। तू नहीं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये क्या है? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और एक मिशन पर हूँ, समझा? तू सिक्योरिटी गार्ड? हाँ। अरे तो फिर वो लड़कियाँ कौन थी? वो चोर थी। तू भी उनके साथ मिला है ना? अरे मैं जानता तक नहीं उन्हें। मुझे लगा कि उन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए मैंने मदद की। तू म्यूजियम में क्या कर रहा था? मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ। देख मेरी टूर की बस वहां खड़ी है। हा? मेरी बस कहां गई? बस कहां गई? अरे नहीं, मुझे हमेशा मेरे ग्रुप के साथ रहना। अच्छा, था तेरे ग्रुप, मेरे ग्रुप में एक लड़की के पास बहुत सारी पेंटिंग थी ना, वो बड़ी बड़ी आंखें और कैमरा वाली लड़की। हाँ वही वाली। हा? सुंदर लड़की देखी नहीं और तुम लोग मेरा मिशन बर्बाद किया। तो चल बचाओ, मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। वो बंद कर। ओए
फड़फड़ाना बंद कर। तो खोल मुझे। कौन से होटल में ठहरा है? मुझे नहीं पता है। टूर का नाम था ग्रैंड टूर जी। और ये दो लड़कियां साथ भागी है। क्या जे भी इसमें शामिल है? कैमरा झूठ नहीं बोलता और अब लापता है। जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो। दस साल पहले जब मेरे पिताजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उन्होंने मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। वो थी इस नायाब पेंटिंग को किसी भी तरह हासिल करना। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों को हमारे फैमिली बिजनेस में शामिल कर लो, क्योंकि उन्हें लगता था तुम पेंटिंग हासिल करने में मेरे बहुत काम आओगी। पर अब 3 साल की प्लानिंग के बाद आज तुम्हारे पास मौका था अपनी काबिलियत दिखाने का। पर सच कहूं तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। अब कोई गलती नहीं। मेरे हाथ तो खोल दे भाई। मुझे गेस्ट लिस्ट दिखाइए। ओए, वो यहाँ है क्या? मैनेजर वो है, उसे पूछ। अरे गेस्ट में एंट्री तो होगी। हाँ तो, देखना देखना मेरे टूर गाइड आइडल का नाम ढूंढना उसमें। इसमें आइडल नाम का कोई बंदा नहीं है, तुझे ठीक से याद नहीं होगा। मैंने पहले कहा था कि कौन सी होटल में जाने वाला है, नहीं पता है। तू इसमें नाम ढूंढ यार। जय, कहाँ हो तुम? मैं पेंटिंग वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब अकेले ही कर लोगे? डोंट वरी, काम हो जाएगा। बस मैं आइडल नाम का बंदा ढूंढ रहा हूँ। ओके ठीक है, मान लिया। पहले तुम वापस आओ। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ। ओए, ओए कहाँ जा रहा है? ओए मुझे खोल, यहाँ छोड़कर मत जा, यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। बचाओ, कोई बचाओ। अरे अरे वापस आ, रुक जा, मत जा। अरे मुझे खोल के तो जा। अंदर आते ही उसे घेर लेना, वो भागने ना पाए। बचाओ, बचाओ। अरे कम से कम मेरे हाथ तो खोल दे, बहुत दर्द हो रहा है। तू किसी पागल खाने से आया है क्या? हाँ मैं पागल खाने से आया हूँ और तेरी वजह से पागल हूँ। हाँ, तुझे होटल का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता होगा ना टूर का अगला स्टॉप कहाँ है। पहले तू चिल्लाना बंद कर, ठीक है? जरा सोचने दे। हाँ, मैंने मेरी टूर का प्लान लिख के रखा हुआ था। ये क्या अगड़म बगड़म लिखा है? काफी सो लिया, कल बहुत थक गया था मैं। देश चाइना के इतिहास में पहली बार कद बढ़ाने की एक लाजवाब दवा। वो रहने दो, मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता तो कुछ मत सुन। टिंग द्वालांग, इसका मतलब क्या होता है? हाइट बढ़ाने की दवाई उल्लू बना रहे हैं।
अरे यार बंद क्यों कर दिया, कितने बोरिंग आदमी से पाला पड़ा है। हाथ मत लगा, इसमें मिंग का ऑटोग्राफ है। सच में ये यामिंग का ऑटोग्राफ है? मुझे भी यामिंग बहुत पसंद है, हर रोज मैं और बाकी गार्ड साथ में मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं, बहुत मजा आता है। तू सच में सिक्योरिटी गार्ड है क्या? हाँ 10 साल से हूँ एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड, मैं रोज ताइची भी सिखाता हूँ। इसे एक चेतावनी समझो और मुझे अपने टूर के पास वापस ले जाओ, वरना मुझे अपनी ताइची तुम पर आजमानी पड़ेगी, समझ गए? मैं भी तो तेरे टूर ग्रुप को ही ढूंढ रहा हूँ। तूने कहा था कि तू किसी मिशन पर है, क्या ढूंढ क्या रहा है तू, ये तो बता। ये तेरा बेटा है क्या? मेरी फोटो है। जब तू बच्चा था तब तो तू बड़ा क्यूट था, फिर क्या हो गया तुझे? वो मेरा भाई है, वो दूसरा वाला मैं हूँ। वो तेरा भाई है? मेरा भाई जो मेरे साथ काम करता था। तो इसका मतलब कि वो तेरा पार्टनर था, है ना? हाँ बिल्कुल, हमारे काम में तो हमें पार्टनर की जरूरत होती है। वो अब नहीं है। दूसरी नौकरी ढूंढ ली क्या? तेरे जैसे बोरिंग आदमी के साथ कोई कितने दिन टिकेगा? बकवास मत कर यार, मैं पुलिस को फोन करके क्या बोलूँ? हाँ चुप करके मेरी मदद कर, मेरी 2 लाख की गारंटी दांव पर लगी है भाई, समझा कर, मेरी टूर का ही लाइसेंस चला जाएगा। मैंने फोटो भेजी है चेक करना, मेरी बैंड बच चुकी है भाई, उसे ढूंढ निकालना। माफ कीजिए प्लीज, क्या ये आप में से किसी का है? तेरे को थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मेरे पास कैसे आ गया? अरे मैडम जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, बस चल रही है तो प्लीज बैठे रहिए, ये खतरनाक है, आपको चोट लग सकती है। क्या हम में से कोई पीछे छूट गया? नहीं 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 नहीं, सब लोग यहीं पर है, आप सीट पर बैठिए, सीट पर। पर मुझे याद है लाल शर्ट में एक आदमी था। कौन लाल शर्ट वाला आदमी? वो जो मेरे साथ। नहीं मैडम आप थक गई हैं, आपकी आंखें लाल हो गई है। मैडम एक काम कीजिए, बैठ जाइए और ठंडा नजारा देखिए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? कुछ मदद चाहिए क्या? मैं कुछ मदद करूं? अंदर जाके गाड़ी में बैठ। बेटा जे तुझे गाड़ी ठीक करनी तो आती है ना? वो कहावत सुनी है कि घर माँ बाप पर और सफर दोस्तों पर निर्भर होता है। ठीक है मदद चाहिए तो बता देना। ए धक्का मार। क्या तू मदद करना चाहता है ना? धक्का मार, जा जा। धक्का मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरा ये घमंड प्रॉब्लम है। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तुझे तमीज से बात करनी चाहिए। क्या बकवास करता रहता है तू? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा बॉस बनता फिरे। क्या है ना कि किसी के साथ काम करते वक्त घमंड भूल जाना चाहिए। तेरा घमंड ना मैं बकवास बंद कर और धक्का मार। अच्छा सुन, कछुए की तरह काम नहीं होगा, जोर से धक्का मार, तेज जोर से। अच्छा जोर से मारना पड़ेगा, ये ले जोर से, ये और जोर से। ए रुक रुक, मुझे छोड़ के मत जा। अरे अरे कमाल करता यार तू, मुझे तो तू पीछे ही छोड़ा है। अरे रुक तो जा, एक मिनट बैठे तो दे। भाई तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा एक बात सच सच बता कि तू ढूंढ क्या रहा है? तुझे क्या वास्ता? घमंड वापस आ गया, एक नंबर का अकड़ू है तू, मेरे एक सीधे सवाल का भी सीधा सीधा जवाब नहीं देता। लगता है माँ बाप ने तमीज ही नहीं सिखाई तुम्हें बिल्कुल।
मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, तो नाक मत अड़ा। नाक क्यों ना अड़ाऊँ? हाँ तेरी वजह से मेरी पूरी टूर मिस हो गई है मिस्टर अकड़ू। क्या मेरी वजह से? चल अभी बता भी कि तू ढूंढ क्या रहा है। हाँ पूर्वजों की अमानत ढूंढ रहा हूँ। पूर्वजों की अमानत? इसमें इतना छुपाने वाली बात क्या थी? तू मुझे ये पहले भी बता सकता था। अच्छा मेरा प्लान सुन, तू मेरी मदद कर मेरे टूर गाइड को ढूंढने में, और फिर मैं तेरी मदद करूंगा तेरी अमानत ढूंढने में, कैसा लगा? सर जी क्या आपने चाइना के किसी ग्रुप टूर को देखा? यहाँ पे सभी चाइनीज ही तो हैं। ए चल बाय। ऐसे वक्त में तुझे खाने की पड़ी है क्या? भुखड़ गएंगे। अरे ये अंकल बहुत अच्छे हैं और इनके कबाब तो लाजवाब है। लो तुम्हारे लिए भी है, लो चख के देखो, बहुत ही अच्छे हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, ट्राई है? ये तो मेरी टूर बस जैसी बस है। कहाँ? ओए वो तो मेरी बस है। ए, रुक लो, रुक ये दोनों लड़कियाँ? आराम से चला। मेरे प्यारे चाइनीज मेहमानों और सैलानियों, अभी जो आप बस के बाहर देख सकते हैं वो है हमारा। तो हेलो, सुनो क्या ये तुम्हारा है? इसमें देखने मिल सकते हैं ये टूर है नंबर वन। हेलो पुलिस, स्टीयरिंग पकड़। अरे नहीं एक मिनट रुको, अरे मैंने कई साल से गाड़ी नहीं चलाई, क्या कर रहे हो तुम? मेरे प्यारे सैलानियों, क्योंकि आप महान चाइना से हैं, आपकी खातिरदारी करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर जानते हैं ताइवान की सेहत का राज क्या है? जी हाँ, यही है प्रेसिडेंट ग्रीन टी। एक कप पीजिए और तरोताजा रहिए। क्या कर रहे हैं बदतमीज? ये नीचे। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगे सब। अरे ये क्या हो रहा है? आपको कुछ सुनाई दिया क्या? घबराइए मत, कुछ नहीं है, हमारे बस के स्पीकर्स हैं। ओए तू कौन है? तू तो अभी बाहर जीप में था ना, तू अंदर क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, सब लोग शांत रहिए। इधर आ संतो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता हूँ, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। तू बाहर से इशारे क्या कर रहा था? प्रपोज कर रहा था। तू जा। मैडम जी मैं आपसे दो मिनट बात करना चाहता हूँ। तो अच्छे खासे लड़के भी पागल हो जाते हैं। मैम ये पेंटिंग मेरी है, लौटा दीजिए। एक मिनट, पहले ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे कान बहुत तेज हैं।
तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना। पहले साबित करो ये तुम्हारी है। और हाँ, ओशन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? अरे ऊपर देख, वो दो चुड़ैल बस पे चढ़ चुकी है। ऊपर देख, मैं नहीं पाऊंगा लेकिन इस वक्त पेंटिंग लेके भाग जा। पेंटिंग का नहीं, इसे नहीं। मिस्टर रोशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ताइवान में बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर वापस नहीं आए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये लोग ये तो वापस दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा शो दिखाना आसान है? माफ कीजिए, मैं बहुत जोर से चलाया। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, क्या आप ठीक हैं? ये सब क्या हो रहा था? और ओशन कहाँ चला गया? हाँ, वो ठीक है, उसे वापस लाने का वादा मैं करता हूँ। वो किसी बच्चे ने मेरे फोन से पुलिस को कॉल कर दिया था। नहीं 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 नहीं, हमारा टूर ग्रुप बिल्कुल ठीक है। सच कहूँ तो सब खुश भी हैं और मजे भी कर रहे हैं। और हाँ, सारे मेंबर्स यही हैं, सब ठीक है। सच कहूँ तो टूर छोड़कर अकेले जाना बहुत खतरनाक है। वो एक सीधा साधा लड़का है, उस पर कोई मुसीबत मत आने देना, ठीक है? तुम्हारे खिलाफ सबूत इस कैमरा में है। आप किसी को बताइएगा मत कि वो गया है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा पक्का। क्या आपका फोन मिल सकता है? हा? मैं बस एक कॉल करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो, इस वक्त तू कहाँ पर है? क्या मेरा टूर ग्रुप अभी भी वहाँ है? हाँ हाँ, लेकिन वो पेंटिंग तेरे पास है ना? हाँ हाँ, ये यही है, यही है, यही। हाँ अच्छा, तो यही है तुम्हारी पुश्तैनी अमानत? हाँ हाँ, सही पहचाना, उसे संभाल कर रखना। तेरे आसपास क्या है? हाँ एक मिनट बताता हूँ। यहाँ पे पहाड़ है और एक चिकन नूडल की दुकान भी है यहाँ पर। हाँ अरे वाह, मैं समझ गया, तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। वहीं रुकना। हेलो हेलो, कमाल है, फोन काट दिया इसने। मैंने अपना नंबर फीड किया है, प्रॉब्लम हो तो फोन करना। आइए आइए, अंदर आइए। हाँ आइए ना। क्या लोगे बताओ? क्या मतलब? अजीब अजीब, अरे होटल में आए हो, कुछ तो खाओगे ना तुम? बताओ यहाँ अच्छा क्या मिलता है? मेरी खासियत है चिकन नूडल्स, मसाला कम या ज्यादा तुम बताओ।
तुम दे दो जो भी अच्छा मिलता हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ खाना कैसा लगा? कमाल का था, मैंने इससे अच्छे चिकन नूडल्स आज तक नहीं खाए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो इसका बिल हुआ 2,500 रुपए। कितने रुपए? 2,500 रुपए। इतने महंगे? वो मेरा बटुआ तो मैं जीप में ही भूल गया। क्या मुझे उल्लू समझता है क्या? अरे रुक जाओ यार, अरे मेरे मेरे पैसे मेरी गाड़ी में है। मैं दे रहा हूँ गाड़ी में है, रुको एक मिनट। जल्दी निकाल, मेरे पास है पैसे है, मैं ये रखे थे। यही तो रखे थे। अच्छा पैसे नहीं? कहाँ गए मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे चोरी हो गए। भाई लोग गाड़ी तोड़ दो। हाँ, नहीं अरे अरे रुको रुको रुको, गाड़ी को मुस्तफ करो, गाड़ी मेरी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मेरा यकीन करो, लेकिन गाड़ी अभी देना पैसे। देखिए शराफत से बात कीजिए, क्या कर ले रहे हो? तमीज से बात कीजिए आप जरा मुझसे। अरे ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैं चाइनीज कुंग फू जानता हूँ। अरे नहीं, क्या बार बार मुसीबत में फंस जाता है। भाई 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 भाई, तू एकदम सही वक्त पर आया भाई। अब हम दोनों इस बावर्ची गैंग का कस्टमर बना देंगे। तेरा दोस्त फाइटर है, उधर देख दोस्त मेरा भी है, बुलाओ रे। ए रुक, मैं आ गया, किसको मार रहा है रे? जल्दी बता किसको मार रहा है। मजा आ गया। पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग तो अभी यही थी। मेरे पैसे भी चोरी हो गए। देखो एक मिनट, एक बंदा था बड़ा अजीब सा दिखने वाला, उसकी नाक में मसा था और बड़ा कमीना दिख रहा था वो। मैं जान पर खेलकर उस पेंटिंग को बचा रहा हूँ और तू यहाँ नूडल ठूस रहा है। पेंटिंग चोरी कैसे हो गई? बेहुदा सिक्योरिटी गार्ड। अरे सारी गलती मेरी नहीं है, मुझे क्या पता कि तुम्हारे ताइवान में हर जगह पे चोर घूमते। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो अपनी टूर के साथ आलीशान का सफर कर रहा होता मैं। आलीशान आलीशान आलीशान, मेरे पाइनएप्पल केक को ना मत मार। तू बकवास सिक्योरिटी गार्ड है, तेरी ताइची भी बकवास है। मेरी ताइची को बकवास मत बोल, अब भी तेरी हेगड़ी निकालता हूँ। आजा हट। ए रुक। अरे भाग का रहा है डरपोक। अरे अरे तू नीचे हो भाग। अरे मर्द है तो रुक के मेरा सामना कर। यहाँ लड़कियों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, कौन है जलपरी? किसी ने मुझे बुलाया क्या? माँ
मेरे चिकने नीचे आना, गाड़ी से बाहर आ, आ जाना। क्या चाहिए आंटी जी? तेरा दोस्त हमसे मुफ्त में जानकारी चाहता था। पैसे मैं दे दूंगा। इन्हें पता है कि वो चोर कौन था और कहाँ गया? सच में? इसने ही मुझे बताया था। अरे गुदगुदी होती है, इसे परेशान मत करो। आप इसकी माँ? जुड़वा बहन। लगती नहीं। पहले ये मूंगफली खा के देख। मैं मूंगफली नहीं खाता, उससे गैस होता है। गैस थोड़ी सी खा ले। खाली तुम भी खा लो। अरे कैसा अजीब इंसान है, तू मूंगफली नहीं खाता? हाँ, और तू बादाम नहीं खाता होगा, है ना? अच्छा सुन, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तेरी पुश्तैनी अमानत खो गई। लेकिन तू अपने बाकी के गार्ड्स को क्यों नहीं बुलाता? सब साथ में मिलके ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। उन्हें बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। देख भाई, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुझे अपना रवैया बदलना चाहिए। इतना घमंड अच्छा नहीं। तेरा सबसे अच्छा दोस्त भी तुझे छोड़कर चला गया क्योंकि वो भी तेरे इस घमंड से उग चुका होगा। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है, वो क्यों गया है पता है? अरे आराम से मेरे माइकल शूमाकर। तो तेरा दोस्त यहाँ काम करता है? काफी अच्छा शांत कब्रिस्तान है। हाँ, कहाँ है तेरा दोस्त? हाँ, बुला उसे जरा। क्या वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया? मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, अब वो यहाँ है। वो मर गया? सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे क्या पता कि कहानी इतनी इमोशनल है। कुछ साल पहले हम दोनों एक मिशन पर निकले थे। मैंने ऑर्डर्स का पालन किया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। जुर्म को रोकने के बजाय मैं बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, और उस वजह से मेरा प्यारा दोस्त हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। तब से मैंने फैसला किया है कि अब से मैं अकेले ही काम करूंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे भी खो बैठने का डर लगता है, यही बात है। मुझे लगता है कि तू अपने आप पर बहुत सख्त है। अगर तेरे दोस्त को इस बारे में पता होता तो वो कभी नहीं चाहता कि तू इस तरह अकेले हर जोखिम उठाए। चाइनीज भाषा में इंसान ये शब्द इस तरह से लिखते हैं, एक लकीर बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर, दोनों लकीरें एक दूसरे को सहारा देती है। इंसान का मतलब यही होता है, सहारा लेना और देना, समझे? गले में क्या लटका रखा है? ओह, रुक, तुझे मैं मेरा मेडेलियन दिखाता हूं। मेरे पूर्वज राजमहल के रक्षक थे जो चिंग डायनेस्टी की तरफ से दुश्मनों का सामना करते थे। ये महाराज ने उन्हें बख्शीश दी थी। वाह, ये तो कमाल है। तुझे मार्शल आर्ट्स आता है? ताई ची आती है ना? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ।
मेरे दादाजी उनकी ताइची कमाल की थी। अब मैंने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा था ताकि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं, पर तू तो जानता है कि मुझ में एक कमी है, मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता है। भाई उम्मीद करता हूं आपने अपने दोस्त को माफ कर दिया होगा, इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि इसकी अमानत इसे वापस मिल जाए, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पाइनएप्पल केक, चिकन अपनी दूर में वापस जाऊंगा। उस लड़की ने मुझे कल बताया था कि यहाँ ब्रदर ब्याह से मिलना, वो जानते हैं कि सब कहाँ है। अरे सुनो बेटा, बेटा तुम जो कर रहे हो ये सही तरीका, मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। तो यहाँ देख मैं वहां देख कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कैसी है आप? ठीक है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या यहाँ कोई ऐसा आदमी रहता है जिसके मटके जैसे बाल हो और उसकी नाक पे एक मसा भी है? जो तुम बता रहे हो ऐसा कोई नहीं है। नहीं आप समझी नहीं, देखिए उसके बाल ऐसे हैं, दिमाग से पैदल है। अरे मुझे इनको समझाना, मैं उसे समझा रहा था ना, मुझे जगह मिल गई। हाँ उस तरफ कहाँ है ये क्या है? चाप चलना मेरे साथ। ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा है, वाओ। ताली बजाना बंद कर, अंदर आ जा, उस बंदे को ढूंढना है, आ जा। अरे क्या डांस कर रहे थे ना? हाँ। क्या दिख 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 वही था वो। ओए रुक जा, ओए रुक जा, रुक। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुक जा, हमारे बॉस से मिल ले, वो तुझे सब समझा देगा। हुँ? नहीं चल मारा। तुझे इन कुत्तों से डर लगता है? नहीं नहीं, मुझे उनसे डर नहीं लगता, दरअसल वो तो मेरी चाय। चलो अंदर। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम सब कौन हो भाई? ग्रीटिंग बॉस। तुमने पेंटिंग क्यों चुराई? चुपचाप खड़े रहो, क्या बकवास है? मैं 20 सालों से लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूं, मैं पहली नजर में समझ गया था कि तुम मुजरिम हो। तुम शक्ल से मासूम हो पर दिमाग मुजरिमों वाला है, तुम साक्षात शैतान हो शैतान।
मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था ये चोरी तुम नहीं की होगी। क्या कुछ भी बोल रहे हो, थोड़े पागल हो क्या? हाँ मुझे पागल बोला, सबूत दिखाओ। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो पर गैंगस्टर वू को नहीं, ये तुम्हारी ही करतूत है। और अब सब कुछ वीडियो पर है, बात साफ है, तुम ही ने वो कीमती पेंटिंग चुराई है, दगाबाज देशद्रोही। वो वीडियो में तुम ही हो ना? पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अगर तब मुझे मिले होते तो तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। चोर कहीं के? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो छोड़ो, पेंटिंग लॉकर में रख देता हूँ। ये लीजिए, पेंटिंग सही सलामत लाने के लिए शुक्रिया। ये एक छोटा सा तोहफा म्यूजियम की तरफ से आपके लिए, लीजिए इसे रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं रख सकता, मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता हूँ, आप इसे ले जाइए। अच्छा मैं उन दोनों चोरों का क्या करूँ? उन्हें अरेस्ट करने के लिए शाम तक पुलिस आ जाएगी, घबराइए मत। माफ कीजिए, हमें ये पेंटिंग वापस ले जानी जरूरी है, म्यूजियम जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा। म्यूजियम में काम करने वाले लोग कितने अलग होते हैं ना, कितने शरीफ सुशील है ना। लेकिन तू नालायक, सुबह शाम लड़कियों को ताड़ता रहता है, निकम्मा। तूने तो कहा था कि वो तेरे परिवार की अमानत है, फिर उस वीडियो में मैंने क्या देखा बता जे? तुझे पता नहीं चला क्या? वो ट्रेनिंग ड्रिल थी। क्या कहा? वीडियो एडिट किया था, समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस कान में सुनाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ फंस गया मैं, वो ट्रेनिंग थी। मुझे अब तेरी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। ये क्या कर, क्या कर रहा तू? हिलमत हिलमत, अरे ब्रेक यंग के भाव। अरे रुक रुक, अरे रुक। अरे तू क्या करने की सोच रहा है? उसका दिमाग खराब है। अरे जब उतर सकते हैं तो कोई कूदेगा क्यों बड़ा है? अरे रुक जा भाई, मैं उतर गया। अरे मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए रुक। मुझे बता उस बक्से में क्या था, बता मुझे क्या है उस बक्से में। बस गाड़ी अभी अभी यहाँ से निकली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ मैंने उस गाड़ी को अभी यहाँ से जाते देखा। हेलो बॉस, मैंने अभी उनकी गाड़ी देखी हाईवे नंबर 5 पर, रिपीट करता हूँ हाईवे नंबर 5 पर देखा है। हाईवे नंबर 5 पर वो काउशन क्यों जा रहे हैं? वो जो लंबा बंदा है उन दोनों लड़कियों का बॉस है, वो अंतर्राष्ट्रीय आर्ट चोर है, मैं कब से उनका पीछा कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने एक 400 साल पुरानी पेंटिंग चुराई है जो म्यूजियम में रखी जाने वाली थी। 400 साल पुरानी पेंटिंग, वो तो करोड़ों की होगी। मुझे उम्मीद थी कि एग्जीबिशन से पहले ही मैं वो पेंटिंग ढूंढ लूंगा, अब हमारे पास कोई सुराग नहीं है, पेंटिंग भी चोरी हो चुकी है और उन्होंने मुझे फंसा दिया। क्या तूने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? तूने ऐसे झूठ क्यों बोला कि वो तेरे परिवार की एक अमानत है? सुन 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 मेरी बात सुन, तू इतना घमंड ना अच्छा नहीं होता, समझे? तुम इंसान का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, सहारा बनना। ठीक है, सारी गलती मेरी है। हाँ ठीक है, अच्छा सुन, अभी इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं,
इसे देख रहा है? मेरे जो पूर्वज थे महल में महाराजा की रक्षा करते थे, और मैं क्या करता हूँ, बीजिंग में एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ मैं। फिर भी मेरे लिए मेरे परिवार के नाम से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। तेरे देश का खजाना चोरी हुआ है, कभी ये मत पूछ कि तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये सोच कि तुमने अपने देश के लिए क्या किया है। हाँ, ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोना बनकर, अगर हम साथ में काम करें तो कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे, क्या बोलता है? सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे थोड़ा हंस भी दे यार। पहन के तो देख। अभी सही लग रहा है। मैं जानता था तुम दोनों यहाँ मिलोगे, तो अब बताओ पूरी सच्चाई क्या है? मैंने वो खजाना हासिल कर लिया था, अब तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तो इसका मतलब तुम वाकई चोर नहीं हो? ओके, एक मिनट, गलत फहमी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आप मेरी बात सुनिए, मैं इस बंदे के साथ 2 दिन से घूम रहा हूँ, मैं अपनी जान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये एक चोर नहीं है, वो अंग्रेज असली चोर है। सही 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 सही। तुम चुप रहे। सुनो यार, कैसे दिन आ गए, अब लोग वीडियो टेप पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम पे भरोसा तो हुआ। अरे चेहरे तो बहुत पड़े थे, पर किसी अंग्रेज का नहीं पड़ा था भाई। कोई बात नहीं, हम सब एक ही साइड पर है, हमें बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। ये काम जी और उसके ग्रुप का है, उसने पहले भी बेशकीमती खजाने चुराए। धूम का बेल लगता है। आपको हम शक्ल से मासूम और अंदर से शैतान लगे थे ना। लाखों में एक हो। तुमने शायद मुझे ठीक से सुना नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक कान खराब है? है देखा, मैं चेहरा पढ़ने में इतना बुरा भी नहीं। अच्छा सुनो मेरे जवान दोस्तों, ये खजाना मेरी वजह से लापता हुआ है, तो इसे वापस लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब से मेरी पूरी गैंग ताइवान के पश्चिम तट पर तैनात रहेगी, तुम्हारे साथ काम करेगी, एक साथ। क्या बात है, ठेंगा क्यों? बॉस ठेंगा नहीं, बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है। सही कहा ना? तेरा ठेंगा मेरे दिल को छू गया। अरे चाइना के प्यारे दोस्तों, आपका ताइवान का सफर जारी है। ताइवान के पास है शानदार आलीशान ट्रेन। हाँ हाँ, हम वही हैं, पर आपने इसे हाई डेफिनेशन टीवी पर देख लिया है, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आलीशान के नजारे का लोग खिड़की से ही उठा लेंगे और लिखेंगे कुछ लव लेटर्स। चलते हैं केप नंबर 7 के पास। अच्छा लगा ना मेरा आइडिया? नहीं नहीं,
प्यारे दोस्तों शांत हो जाओ, प्लान में थोड़ा बदलाव आया है। आपको मेरा गाना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ सबसे बेहतरीन और अनोखा ताइवान वन मैन शो। ताइवान में आपका स्वागत है। मैं गा तो सकता हूँ पर क्या मुझे नाचना आता है? हाँ बिल्कुल आता है, मुझे ताइवान का माइकल जैक्सन भी कहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा माइकल जैक्सन जैसा मून वॉक। हाँ मेरा एक काम करना, तीन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तीनों गाड़ी में है, नंबर प्लेट है 513503। हाँ ठीक है ठीक है। क्या है? हाँ चुप करके मेरी बात सुन, अगर एक फिरंगी और दो लड़कियां एक गाड़ी में देखें तो बताना, नंबर प्लेट है 513503, उस गाड़ी को भाई रोक लेना। हाँ चल चल, दूसरा फोन आ रहा, मैं रखता हूँ। कौन है रे? हाँ अच्छा मेरी बात सुन, एक फिरंगी और दो लड़कियों को ढूंढना है, अगर उनका कुछ पता चला तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? देखते ही पकड़ लेना उनको, जाने ना पाए। कोई परेशानी है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दरअसल बात यह कि उस खजाने के साथ साथ मेरा एक बटुआ भी था जो तुम्हारे साथियों ने शायद गलती से ले लिया है। दरअसल उसमें पैसे मेरे दोस्तों के थे, उन्होंने दिए थे मुझे ताकि मैं उनके लिए ताइवान से कुछ तोहफे ले आ सकूं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर चोरी है, चोरी करना सिखाया मैंने तुझे, मेरी नाक कितने लोगों के सामने कटवाएगा? इतने थे ना? जी जी शुक्रिया शुक्रिया। तुझे बाद में देखता हूं, ज्योतिष ने कहा था कि नाक पर मसाला लगाने से तू सुधर जाएगा। हैं? ये ले एक और लगा, शायद इससे सुधर जाए तू। हाँ और ये वाहियात बाल, हाँ तू गरीबों का शक्ति कपूर है क्या? निकल यहां से। कौन सा फ्लेवर चाहिए भाई साहब आपको? वो वाला दिखाओ ना, चॉकलेट है क्या? बेल्जियम चॉकलेट चेरी है, ताइवान में बेल्जियम चॉकलेट है। वो जो मैंगो पड़ा है वो देना। बोट वक्त पर आ जानी चाहिए। बस आप जिस गाड़ी की तलाश कर रहे थे वो अभी भी डॉक पे पहुंची है, आप मुझे बताइए आगे क्या करना है, ऑर्डर दीजिए। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, आगे मैं सब संभाल लूंगा। चल ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। हा? चल ठीक है, थैंक यू, कभी घर पे आना फुर्सत से। ठीक है ठीक है। सुना तुम दोनों ने, मुझे लगता है वो चोर काउशुंग से बोट में फरार होना चाहता है। मैं जाकर उन्हें रोकता हूं। भाई तो यहां अपनी छुट्टियां बिताने आया था ना, तो इसमें मत पड़, अपने टूर में वापस चला जा, यहां खतरे बढ़ने वाले हैं। भाई अगर तुमने मुझे अपना भाई मान ही लिया है तो अब हाँ, आगे और कुछ मत कहना। तेरे पास उस लड़की का नंबर है ना, उसे फोन कर और मेरी उस टूर गाइड से बात करवा, अभी जल्दी कर। हेलो हेलो, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम और रोशन ठीक हो? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आप मेरी टूर गाइड से बात करेंगी? ला कुछ जरूरी काम है। एक मिनट रुको, आइडल ये लो। हेलो मिस्टर रोशन, मैंने आपसे कहा था ना हमारी टूर का सिर्फ एक नियम है सबको साथ रहना, आप कहाँ चले गए? अरे मेरी बात तो सुनो तुम, मैं जानता हूँ मुझे ग्रुप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मेरा यकीन करो मैंने ताइवान में कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा बस यहाँ एक आखिरी छोटा सा काम बाकी है और फिर मैं कल टूर में वापस आ जाऊंगा, और हाँ अगर किसी वजह से मैं टूर में वापस नहीं आ पाया तो मैं पहले से तुमसे माफी मांग लेता हूँ, मैं अगले जन्म में तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा। तुम नहीं चुका सकते, जानते हो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा।
250 की नहीं 2.5 लाख की फाइन लगेगी मुझे, 2.5 लाख, समझ रहे हो तुम? मुझे गद्दार करने का प्लान है क्या? मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, आप जल्दी वापस आ जाइए, अभी इसी वक्त आप आ जाइए। देख सुनबे, मेरे दोस्तों का अपमान यानी मेरा अपमान, इतनी छोटी रकम के लिए परेशान कर रहा है, तू संभाल नहीं सकता? चुप कर बे, पहले ये बता तू है कौन। मुझे नहीं पहचाना? ध्यान से सुन, गैंगस्टर वू का नाम सुना है? मैं हूँ गैंगस्टर वू। तेरे जैसे डुच्चे लोगों से बहुत पाला पड़ता है, तो अपनी बकवास बंद कर और सुन। मेरे पास एक कुत्ता था जिसका नाम मैंने रखा था गैंगस्टर वू। देख तुझे पता नहीं है किससे पाला पड़ा है, है? जितनी एकली दिखाएगा उतनी निकलेगी। मेरे काम के बीच आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हेलो हेलो, हाँ? तो क्या हम भाई हैं? अगर हम भाई हैं तो मैं तेरा पार्टनर भी हूं, समझा? देख हम दोनों ने एक जैसी टी शर्ट भी पहन रखी है। ठीक है भाई। हट जाओ, अंदर जाना है। ए रुक, ए बाप कड़ो के कंट्रोल रूम, जल्दी से बैकअप भेजो। जाओ उन्हें सबक सिखाओ। आजा आजा आजा, यहाँ इस तरफ आजा, इसको जाने दो। हाँ यहाँ इस तरफ। अरे ठीक है, इतने तेज क्यों चल रहे हैं? तुझे पता भी है वो दोनों कहाँ हैं? हाँ
आओ, लग गई। लगी तो नहीं, उसकी खुशबू अच्छी है। अब खाई तब पता चला अच्छी है। वो देशद्रोही तू ही है ना? तूने ही सीसीटीवी फुटेज लीक करवाई थी। अरे मुझे देशद्रोही मत बोल, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह सिर्फ 50,000 है और पिछले साल कमीनों ने बोनस भी नहीं दिया। मैं क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। तो तू भी सिक्योरिटी गार्ड है क्या? मैं भी हूँ, पर मुझे इतनी मोटी पगार नहीं मिलती, फिर भी मैं देश से गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता। भाषण क्या दे रहा है? संभल कर, ठीक है? बताता हूँ वो कहाँ है। तेरे पश्चिम में, पश्चिम में, तेरे पश्चिम में। हाँ, मैंने कहा था ना कि उसकी कुंफू में दम है। आंखें और कान खुले रख। ए, दक्षिण से, दक्षिण से आ रहा है वो। अरे जे, तू क्या कर रहा है? तुझे दिशाएं समझ में नहीं आती क्या? अरे मैं कंपास लेकर नहीं खड़ा हूँ, दायां बायां नहीं बता सकता क्या? ओ अच्छा, ऐसा है क्या? माफ करना, हम बीजिंग में ऐसे ही बात करते हैं। बाई ओर, वो बाई ओर से आ रहा है। तूने बाई ओर कहा था? मेरा मतलब था मेरी बाई ओर। अरे तू चला जा, इससे मैं ही निपट लूंगा। तू जा यहां से। पगार 50,000, मेरी 25 भी नहीं है। मुझे आज तक बोनस भी नहीं मिला। मेरी बुराई करता है, पीठ के पीछे चुगली करता है। तो मैं एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें 30 तक का दूंगा। नो थैंक्स। ये क्या कर रहा है तू? एक प्लान है। बताएगा प्लान क्या है? हा? अरे पागल हो गया है क्या? कूदना है, तीन गिनने पर। तू सच में पागल हो गया है? ये सब क्या कर रहा है तू? अरे अरे रुक रुक रुक, तू एक दिन मुझे मरवाएगा। एक दिन क्या, आज ही मरवाएगा। ये क्या करवा रहा है? Ugh.
उठ जा बाद में सो लेना। तू ठीक है ना? रुको, कहाँ जा रहा है भाग के? हाँ रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। रुक जा, अब तो रुक। इसका सामना करने के लिए चाहिए ताई जी। अच्छा कैच था। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ यार। मुझे क्या हो गया? तू ठीक है जय। मारने से ज्यादा मार खाने की क्षमता मायने रखती है। मेरे भाई यार, उठना, आंखें खोल यार। मैं जानता हूं कि मैं दोस्ती के लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे भाई। क्या बात है! मुझे लगा था तू बड़ा सख्त लौंडा है, पर तू तो आइसक्रीम की तरह पिघल गया यार। चल। ए रुक। अरे मैं मर रहा हूँ। अरे फिर से रुक के बताना।
मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा हो तो वक्त बड़ी जल्दी बीत जाता है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदाई लेने का। ये लीजिए मेरा कार्ड, फिर कभी आना हुआ तो मुझे फोन करना और अपने दोस्तों से भी कहना। कितनी देर कर दी तुमने आने में, ये सब तेरे लिए क्या जरूरत थी? अरे इतना सारा क्या लेकर आ गया तू भाई? यार मेरी वजह से तो ताइवान घूम भी नहीं पाया है ना। बस कर भाई, रुलाएगा क्या? तुझे बीजिंग आके मुझसे मिलना होगा। तूने मुझे ताइवान की बियर पिलाई, मैं तुझे चाइनीज वाइन पिलाऊंगा। तबीयत से बैठेंगे, खूब पिएंगे, बहुत मजा करेंगे मेरे भाई। पक्का होऊंगा। तुम दोनों बात कर लो। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक है, चलता हूँ। एक मिनट रुको। याद है ना, मेरे कान बहुत तेज हैं, तुम्हारे दिल की आवाज भी सुन सकते हैं। हाँ, नॉर्मल है। ए, चल। अरे जरा करीब आओ। हाँ। चल हट। हट। अरे वो याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम क्या कर रहे हो? शक्ल से पहचान लेता हूँ। तू ही है ना वो निकम्मा आइडल जो मेरे दोस्तों को फोन करके परेशान कर रहा था, सही कहा ना? तू पिटेगा। ये तो बता तू कौन है? मैं कौन हूँ? कौन है? मेरा नाम है गैंगस्टर वू। खुद को गैंगस्टर बोलता है, दो टके का बकवास गुंडा लगता है, तू है कौन रे? हाँ तू वही गैंगस्टर है ना जिसे उल्लू बनाकर वो फिरंग हमारे देश का खजाना ले गए, सब जानता हूँ। बॉस, आइडल हमें ताइवान के टूर पे ले जा रहा है। क्या? वक्त बदल रहा है दोस्त, बेहतर होगा तू नया काम ढूंढ ले। चला। ये कैसे हो गया? चल अब मैं जा रहा हूँ। बाय। बीजिंग में तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ।我见龙就跳，见枪就窜，动我不钻不该的圈不转，喜不上忙，我爱玩，平常难都降，我懒蛋不乱，不要你管，犯法之外我什么都敢。干哪个大腕期盼，替我担当，回我子弹慢。刚吃完晚餐，生蚝海胆又是捞饭，我枪还在敲，敲不断。If you wanna go, then you gotta roll. 不需要 no, get your ass up, yo. Wanna get some dough, gotta play the show. If you wanna go, 那个想走就走。If you wanna go, then you gotta roll. 不需要 no, get your ass up, yo. Wanna get some dough, gotta play the show. If you wanna go, 那个想走就走。左右晃，有屁你就给我放。有人不敢说，有人说了又不敢做，时间一直拖，选择别啰嗦，社会却那么多。